नमस्कार। आज हम बंगाल विभाजन से संबंधित सारे एमसीक्यू मॉडल प्रश्न लाए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन से अगर कोई प्रश्न आता है आपके आधुनिक भारत में तो कैसा प्रश्न आ सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन हुआ, यानी कि पूछ रहा है कि बंगाल जो विभाजन हुआ है वो कब हुआ है। ए 1905, बी 1908, सी 1902, डी 1911। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि जो बंगाल विभाजन था वो 1905 को किया गया था, अर्थात कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा 1905। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि बंगाल आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय निम्न में कौन था। तो याद रखिएगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें पूछा कि वायसराय कौन था। तो ए डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी बेंटिंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन था। ये बंगाल विभाजन जो था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की देन थी। किसकी देन थी? कर्जन की देन थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और उस समय यही वायसराय था और इसी के दिमाग की उपज थी कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए। और जो बंगाल को विभाजित करने का उद्देश्य था वह जो बंगाली राष्ट्रवादिता, जो राष्ट्रवादी विचारधारा था उसको हमेशा कमजोर करने के दृष्टिकोण से बंगाल को विभाजित किया गया था। जबकि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी वो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उसमें उड़ीसा भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, बंगाल शामिल था और वर्तमान का बांग्लादेश भी शामिल था। लेकिन जो उस समय जो बंगाल को विभाजित करने का जो कर्जन का दृष्टिकोण था वह राष्ट्रवादी विचारधारा को कमजोर करना। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बंगाल विभाजन लागू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न है, याद रखिएगा बंगाल विभाजन लागू हुआ, यानी कि हमें जब भी हम ऐसे प्रश्नों को कब हुआ और कब लागू हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। इससे हम लोग कभी कभी ह्यूमन एरर भी कर जाते हैं, तो हमें ह्यूमन एरर नहीं करना है। लागू हुआ मतलब क्या होता है कि कब इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 16 नवंबर 1905, 16 दिसंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 जुलाई 1905। तो आप लोगों को कमेंट लिखते रहिए नीचे क्या होगा। तो इसका जो रियल आंसर है सी 16 अक्टूबर 1905, यानी कि बंगाल विभाजन जो लागू हुआ वह था 16 अक्टूबर 1905। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बंगाल विभाजन हुआ उसका दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पीसीएस में, आरओ में, आईएएस में और बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था। यानी जब बंगाल विभाजन हुआ तो एक मोमेंट चला था, स्वदेशी मोमेंट चला था, तो उसका नेतृत्व दिल्ली में कौन सा नेता था जिसने किया था। तो आप देखेंगे ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी कृष्ण कुमार मित्र, डी सैयद हैदर अली। तो आई होप कि आपको पढ़ा होगा आपने, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वह है सैयद हैदर अली। इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका दिल्ली में इन्होंने उस मोमेंट का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी ने, कह रहा कि किस कमेटी ने बंगाल विभाजन रद्द करने की अनुशंसा की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस कमेटी ने बंगाल विभाजन रद्द करने की अनुशंसा की थी। ए हंटर आयोग, बी अरुणडेल, ये द लिखा गया है, यह है अरुणडेल कमेटी, हिल्टन आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह जानना होगा कि जो इसका प्रॉपर आंसर है वह है आंसर बी अरुणडेल कमेटी, यानी कि अरुणडेल कमेटी ने अनुशंसा की थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। जब बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए इसकी अनुशंसा को, यानी अरुणडेल कमेटी की जो अनुशंसा थी, अनुशंसा को जब दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ऐलान किया, दिल्ली दरबार में
दिल्ली दरबार 1911 कौन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने ऐलान किया कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। उसने दो ऐलान किया था कि हम बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं दिल्ली दरबार में। दूसरा उसने ऐलान किया कि जो है दिल्ली अब नई राजधानी होगी, अर्थात कि इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में और दिल्ली को नई राजधानी बना दिया जाता है 11 में, लेकिन वो राजधानी इस्टेब्लिश हुई 1912 में। तो याद रखिएगा दिल्ली राजधानी बनाया जाना, इसकी घोषणा करना 1911 था और उसको कंप्लीट रूप से इम्प्लीमेंट कर देना, बना देना ये 1912 था। तो हमें 1911-1912 में फ़र्क रखना होगा दिल्ली राजधानी को लेके। तो अरुणगिल कमेटी की अनुशंसा थी जिस अनुशंसा पर ये बंगाल विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, अर्थात कि जो इसमें चार विकल्प दिया गया है वो कह रहा कि सर्वाधिक किस पर प्रभाव पड़ा, ए कृषि पर, बी सांस्कृतिक पर यानी कि जो आपकी संस्कृति थी सांस्कृतिक कल्चर थे उस पर, सी कर पर, डी व्यापार पर। तो आप याद रखिएगा जो भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट में का जो सर्वाधिक असर था, जो सर्वाधिक उसने इम्पैक्ट छोड़ा था वह हमारे सांस्कृतिक कल्चरल पर छोड़ा था, यानी कि हमारी सांस्कृतिक क्षेत्र जो हमारा था उस पर स्वदेशी मूवमेंट ने अपना प्रभाव सर्वाधिक छोड़ा था। इसी में आप लोग देखते हैं कि ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है जिसमें अजंता के चित्रकला से और अवनींद्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी आधिपत्य को तोड़ने की चुनौती दी थी। अब अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं, सातवां क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को लोगों ने कैसे मनाया, उसको क्या किया, चूंकि याद रखिएगा बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था, उस विरोध को कैसे लोगों ने मनाया है। कह रहा है कि राखी दिवस के रूप में, बी शोक दिवस के रूप में, अब चार ऑप्शन है, ए केवल ए यानी कह रहा है क्या केवल ये सही है, केवल बी क्या केवल यह सही है, या सी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा जो बंगाल विभाजन था उसको लोगों ने राखी दिवस के रूप में मनाया, राखी दिवस का मतलब था कि लोग एक दूसरे से मिलते थे और हाथों में क्या सूत्र रक्षा सूत्र बांधते थे, जो इसका रक्षा सूत्र बांधने का जो उद्देश्य था यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि ठीक है विभाजन हो गया है लेकिन हम क्या हैं, एक हैं, हमारे बीच विभाजन नहीं हुआ है। और दूसरा शोक दिवस के रूप में, इस दोनों यानी कि राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया और शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया, इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, ए और बी दोनों आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन, कह रहा कि निम्न में कौन बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला था, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंग भंग आंदोलन के दौरान बंगाल का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री खोली गई थी, उसका नाम था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स। कह रहा कि इसमें से निम्न में किसने खोला था, ए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी कृष्ण कुमार मित्र। तो याद रखिएगा इसका प्रॉपर जो आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला था। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे कि ये सब खोला क्यों जा रहा था, जब भी ये मूवमेंट चलाया गया तो उसमें स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, यानी कि बहिष्कार जो विदेशी सामान थी उनका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जब हम किसी चीज़ का बहिष्कार करते हैं हमें विकल्प के रूप में कुछ देना होता है, तो उस समय विकल्प के रूप में स्वदेशी के तौर पर यह बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान,
वंदे मातरम, याद रखिएगा किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कह रहा कि इसमें चार आंदोलन के नाम दिए गए हैं, वो कौन सा आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम उस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी होम रूल लीग आंदोलन, डी चंपारण। तो याद रखिएगा वह जो आंदोलन था वह ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन था। इस स्वदेशी आंदोलन के दरमियान ही वंदे मातरम गीत इस आंदोलन का शीर्षक गीत था। लोग वंदे मातरम गाते थे, गंगा जी में जाके स्नान करते थे, एक दूसरे के हाथ पे राखी बांधते थे और उसको शोक दिवस के रूप में मनाते थे। अब आगे देखिए, स्वदेशी के प्रचार हेतु, मोस्ट अच्छा प्रश्न है ये, स्वदेशी के प्रचार हेतु ये वस्तु है, वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किया था। स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किया था, यानी कि स्वदेशी जो स्वदेशी सामान के प्रचार हेतु निम्न में से किसने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी नंदलाल। तो याद रखिएगा इसको जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक ने इसको महाराष्ट्र में स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाया था और वहीं पर इन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस, और आप लोग इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगला क्वेश्चन है कि हाँ, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था? ए कृषि भूमि की जब्ती, क्या किसानों की भूमि जब्ती कर ली गई थी? बी व्यापार पर 50% का कर बढ़ा दिया गया। सी जमींदारों के अधिकारों में कटौती की गई। डी बंगाल का विभाजन हुआ। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था वह था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ और यही बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में कौन सा ब्रिटिश पत्रकार जुड़ा हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन सा ब्रिटिश पत्रकार जुड़ा हुआ था? एस डब्ल्यू नेविंसन, वेब मिलर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एस डब्ल्यू नेविंसन यह स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, यह ब्रिटिश पत्रकार था और यह स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया, यानी कि जो बंग भंग हुआ तो उसमें कहा गया कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो मैक्सिमम वस्तुएं ब्रिटेन की ही होती थी। तो कह रहा कि इसका जो बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? ए कृष्ण कुमार मित्र, बी बाल गंगाधर तिलक, ये धर है बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा कि जो आपका तेरा जो बहिष्कार का सुझाव जो दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वे दिया था ए कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने कहा, ये सुझाव दिया था कि हमें विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? इस बंग भंग आंदोलन के दौरान स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? ए दादा भाई नौरोजी, बी रास बिहारी घोष, सी अरविंद घोष, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आई होप कि आप लोगों को सब मालूम ही है, इसका प्रॉपर आंसर है बाल गंगाधर तिलक। एवं बाल गंगाधर तिलक पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा बंग भंग मूवमेंट के दौरान दिया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कह रहा कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ए
कर्जन एक नंबर है कर्जन, बी डफरिन, सी ब्रूमफील्ड, डी एंड्रूस फ्रेजर। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है वह एंड्रूस फ्रेजर था। काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में, तो एंड्रूस फ्रेजर जो था उसमें बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का वास्तविक जागरण, कह रहा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, यह किसका कथन है? कहता भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ यह किसका कथन है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू। जो इसका प्रॉपर आंसर है वह है महात्मा गांधी। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का था कि जो है कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905, 10 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही है। आइए आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग तैयारी करते ही हैं। कह रहा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई, कह रहा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई किस सन में हुई, इसने सन ही पूछ दिया है। अमूमन देखते हैं ए 1900, बी 1904, सी 1906, डी 1908। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है ये अमरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और ये 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल को पुनः एकीकृत किया गया ए 1907, बी 1909, सी 1911, डी 1912। तो हमने बताया था कि दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में और उसी समय बंगाल को विभाजन को रद्द कर दिया गया था। हमने पहले भी बता दिया है कि वो कमेटी कौन सी थी, वो कमेटी अरुंडेल कमेटी थी जिसने सिफारिश किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी 1911, 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। कह रहा कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, बंगाल नेशनल कॉलेज की ये बंगाल नेशनल कॉलेज है कि स्थापना कब हुई? ए 14 जुलाई 1906, बी 14 अगस्त 1906, सी 14 सितंबर 1905, डी 14 मई 1905। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन मे बी इसके डेट पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वह है 14 अगस्त 1906, बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एसएससी लोअर पीसीएस इत्यादि में पूछा गया है। ए अरविंद घोष, बी सतीश चंद्र मुखर्जी, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी रास बिहारी घोष। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वह है अरविंद घोष। इसका जो प्रिंसिपल बने थे बंगाल नेशनल कॉलेज के वह बने थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ? कह रहा कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उस दौरान किस उद्योग को सबसे ज्यादा धक्का लगा, सबसे ज्यादा कमजोर हुआ? नील उद्योग, मसाला उद्योग, चाय उद्योग, कपड़ा उद्योग। क्योंकि हमने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था, तो ऐसी दशा में मसाला तो अपने ही वहाँ था, भारत में ही था, नील भी अपने वहाँ होती थी, चाय भी अपने वहाँ होती थी, तो बचा कपड़ा उद्योग। तो हम लोग अक्सर विदेशी कपड़ों उस टाइम में लोग पहनते थे, तो जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तो उस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर प्रॉपर आंसर है कपड़ा उद्योग। जो वस्त्र उद्योग है वह जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ, सर्वाधिक धक्का इसी वस्त्र उद्योग को लगा।
अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोगों के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना, बी हिंदू मुस्लिम एकता में कमी लाना, सी दिल्ली को नई राजधानी बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था हमने पहले बताया है कि वो राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते थे। वह राष्ट्रवाद कब आया था? जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद 1905 का जो सफ़र है भारतीय जनचेतना का सफ़र है, इस जनचेतना में एक नए प्रकार का राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ और उसी राष्ट्रवाद को कम करने के दृष्टिकोण से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन लाया था। तो जहाँ भी आपको मिलेगा ये होगा आंसर, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना। जी अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने अपनी पहली छात्रवृत्ति किसे दी थी। वो अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने लगभग बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे, इस प्रकार का आंसर तभी आप कर सकते हैं। तो ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल, सी सतीश मुखर्जी, डी कृष्ण कुमार मित्र। तो इंडियन जो सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, इसने अपनी पहली छात्रवृत्ति किसे दी है उसको ये पूछ रहा है। तो आपका जो प्रॉपर आंसर है वह है नंदलाल। किसको दिया था? नंदलाल को दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, मे भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ए चिदंबरम पिल्लई, बी के अयंगर, सी एन जी रंगा, डी के मुंशी। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वह है चिदंबरम पिल्लई। इन्होंने मद्रास में इसका क्या किया था, मूवमेंट को का नेतृत्व किया था।